What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर Avalanche mode. और guys, इस mode का जो फंडा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. अपने को भाई जब दूसरे प्लेयर्स डंडा करेंगे तो हमें बस बच के वहां से निकल जाना है, फिनिश लाइन तक पहुंच जाना है एंड दोस्तों अपना काम हो जाएगा कम्प्लीट. वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा हम लोगों ने ये मोड पहले भी ट्राई किया था. एंड मिस्टर चॉप, क्या तुम रेडी हो इस बार जीतने के लिए? क्योंकि आई डाउट पिछले बार तुम जीते थे मेरे दोस्त. भाई क्या बात कर रहे हो, एक बार तो जीता ही हूं भाई पिछले बार में. ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में देख लेते हैं कितनी बार जीतते हो तुम. पॉक्ट भाई आपको पहले ही बता दूं, मैं फुल ट्रेनिंग वेनिंग कर चुका हूं भाई. मैंने 2-3 बार ये बोर्ड खेल लिया है और मेरे को लगता है मैं जीत सकता हूं भाई. अरे ठीक है ना, राउंड स्टार्ट तो होने दे, वैसे भी 2 सेकंड में राउंड स्टार्ट होने ही वाला है. ऑलराइट गाइस, अब पता चलेगा कौन है बॉस और कौन है नूब. ओह, पहला एवलांच मिला है यहां पे, चॉकलेट फाउंटेन. तो गाइस चॉकलेट फाउंटेन है पूरा का पूरा अपने सामने. यहां पे अलग अलग अपने को कैंडीज, चॉकलेट्स, वेफर बार्स और पता नहीं क्या क्या चॉको बार देखने को मिलेंगे. पेस्ट्रीज भी है, केक स्लाइसेस भी है. अपने को इन सारों को अवॉइड नहीं करना है. देखो ऊपर से कुछ कचरा गिरने वाला है थोड़ी देर में, देख रहे हो, चम्मच काटे, उसके बाद बर्तन, उसके बाद क्या क्या डोनट वोनट फेंका जाएगा ऊपर से. तो गाइस अपने को इस वेफर से बने हुए हिल के ऊपर क्लाइंब करना है और कोशिश करना है कि इससे पहले कि वो लॉलीपॉप. अरे भैया ये चम्मच कुछ ज्यादा पास आ गया. ओ भाई अच्छा हुआ चम्मच के ऊपर से. ए ओ एक और चम्मच, ओ एक और चम्मच. अरे भाई चम्मच पे चम्मच चमचा बनाओगे क्या मेरे को? भाई डोनट वोनट भी आ रहे. अरे मार दिया एक बंदे को. अरे मेरे को भी मार दिया भाई, वो बच्चे का जो नहीं होता जिससे उसके मुंह में डाले जाते हैं जब वो रोते रहता है. तो भाई मेरे को तो नाम भी नहीं पता यार, शिट मैन. ओके गाइस लेट्स गो. भाई उतना पीछे नहीं आया, मेरी हेल्थ अभी भी 65% की है, लेकिन नहीं यहाँ पे जोरदार फटका लगा है मिस्टर फ्रॉस्टी भाई को. क्या हो रहा है, आउट हो चुके हैं. और ये गमी बेयर भाई भाई भाई, अरे मरते हुए बंदे को और कितना मारोगे भाई? अभी भी 30% हेल्थ बाकी है गाइस, लेकिन अब खत्म. मतलब यार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरा गेम ओवर हो गया भाई. भाई लेकिन मैं अभी भी रेस में भाग रहा हूं भाई. क्या बात कर रहा है तू, अभी भी रेस में? ऑलराइट लेट्स सी गाइस, देखते हैं मिस्टर चॉप है तो है कहां पर आखिर. ओके ये तो वो बंदा है जो ऊपर से कचरा फेंक रहा है. ये देखो भाई कैसा जालिम इंसान है भाई, अपने ऊपर इसको शर्म नहीं आती इतना सारा सामान फेंकते हुए. ऑलराइट चॉप ऐसे ही बढ़ते रहे मेरे दोस्त, मेरे को लगता है तू बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा अपने को. भाई यहां पे इतना मलबा देखते हुए भाई मेरा हालत खराब हो रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहूंगा भाई. गाइस ये चॉप तो बहुत सी आगे बढ़ रहा है, इससे आगे तो सिर्फ एक ही बंदा दिखाई दे रहा है मेरे को. भाई यार अगर तू ऐसे चलते रहा तो मेरे को लगता है समय खत्म हो जाएगा, लेकिन तू फिनिश लाइन नहीं पहुंच पाएगा दोस्त. भाई मैं पहुंच जाऊंगा भाई, मेरे को डर नहीं लगता, 1 मिनट बहुत समय ऊपर पहुंचने के लिए. ओके ओके लेट्स सी उस सामने वाले बंदे का क्या होता है गाइस, क्योंकि जो बंदा फर्स्ट प्लेस आता है ना वो भाई एकदम सुपर प्रो बंदा होता है इस गेम का. ओ मर गया. अरे भैया तुम्हारा तो कॉम्पिटिटर आउट हो गया भाई, तुमको तो खुशी होनी चाहिए. भाई मेरे को लगता है इस समय मैं अकेला बंदा हूँ जो इस लॉबी में कम्पीट कर रहा है, बाकी सब मर गए भाई. अबे उस डोनट ने तेरा बैट बचा देना था ब्रो, तू देख रहा है कैसे बचा है तू? भाई 1 सेंटीमीटर से बचाओ, मेरे सर के जो बाल है उनमें टकराता वो निकला है वो डोनट. अरे अरे भग जा भाई वो चम्मच. ओ माय गॉड गाइस ये चॉप की तो हालत खराब हो रही है, जस्ट लेट्स सी कि क्या ये पहुंच पाता है कि नहीं. मेरे को तो इस बंदे पे उम्मीद है क्योंकि इसने हम लोगों को बोला था गाइस कि ये ट्रेनिंग करके आया है. मार्शमैलो हो या फिर कैंडी जार या फिर डोनट हो या फिर मेरा यार, अपन तो पहुंचेंगे सिर्फ उस पार, हम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा. अरे भाई 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 क्या हो रहा है यार? ओ भाई लास्ट में पहुंच गया, लेकिन गाइस अब इसी पे कचरा फेंका जा रहा है. फोर्ट भाई लेकिन पहुंच तो गया, फिनिश हो गया मेरा. अरे कांग्रेचुलेशंस ब्रो, और कोई बंदा तो बचा ही नहीं, अब यही अकेला था और एक जो बंदा फेंक रहा है सामान ऊपर से. एंड गाइस ये क्या कर रहा है अभी, वो तो खड़ा है, AFK चला गया वो. तो देखा गाइस इसी के साथ मिस्टर चॉप ने यहां पर पहला राउंड जीत भी लिया है. बहुत बहुत मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड. फोर्ट भाई क्या बोलूं, बोला था आपको हल्के में लेने के लिए मेरे जैसे लड़के को. अरे हल्के में थोड़ी लेता हूं भाई, तुमको तो सबसे भारी बंदा समझता हूँ मैं इस लॉबी का. ऑलराइट चलो देखते हैं जब तक. भाई ये देखो MVP बन गया चॉप. ओहो ओके तो गाइस अभी जब तक नया राउंड लग रहा है अपन लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा पार्कोर करते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं और सबको बताते हैं कि भाई हम लोग भी यहाँ पे नूब नहीं है, ठीक है. वो कचरा भाई किस्मत के ऊपर होता है, कितने लोगों की किस्मत से ही होती है तो भाई वो बच जाते हैं. और ये क्या है भाई, ये कौन सा इन लोगों ने स्क्विड गेम वाला लॉजिक लगा दिया है? ओ अरे ये क्या आ गया, कंटेनर आ गया भाई. भागो 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 जल्दी भागो भाई. भाई यहाँ पे तो लगता है, अरे ये क्या हो गया भाई, अबे थ्रोअर डाइड और लेफ्ट. अरे व्हाट द हेल यार, पहले ही राउंड डिक्लेयर हो गया. तो भाई मेरे को लगता है ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जिस बंदे को सामान फेंकने का चैलेंज दिया गया था उसी ने गेम लीव कर दिया ब्रो. आई गेस गाइस, क्योंकि इतनी जल्दी तो और कोई राउंड ही नहीं खत्म होता इस गेम के अंदर. चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, वैसे भी 1 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है. सो लेट्स गो. ओ आइस माउंटेन. तो गाइस अब हमारा चैलेंज होने वाला है आइस माउंटेन के ऊपर. ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है जिसपे से फिर से कचरा फेंका जा रहा है, जैसे कि जेट स्कीज, कीबोर्ड्स, स्केटिंग किट और पता नहीं क्या क्या. अब तो आएगा तभी बता पाऊंगा, ऐसे चम्मच वगैरह भी होंगे आई थिंक इसके ऊपर. और भाई नहीं 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 भाई भाई भाई, अरे देखो स्नोबॉल भी फेंका जा रहा है भाई. एवलांच बन गया पूरा ये तो. ओ शिट मैं एकदम नंबर 1 प्लेस पे चल रहा हूं गाइस, बट मेरे को अपने लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा. अरे ये बंदा तो वही है जो मेरे साथ आ रहा है भाई, जो पिछले राउंड में अपने को मार रहा था. क्या भाई तुम अच्छे इंसान नहीं हो, भगवान ना करे तुम पहले पे आओ. ओ आइस स्पाइक्स भी आ रहे हैं भाई. ओ शिट चॉप देख, कुछ भी हो जाए तेरे को ये राउंड भी जीतना है ब्रो, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी भाई.
भाई। तो भाई टेंशन ना लो, आपकी नाक मतलब मेरी नाक है, अरे आप कैसे जा रहे हो, आप मर जाओगे भाई। अरे मार दिया अचानक से भाई, मार दिया अपने को। Damn it man, 65% हेल्थ है यहाँ पे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आई कैन स्टिल कीप ऑन ट्राइंग। बट आप लोग देख सकते हो चॉप हम लोगों से आगे निकल चुका है दोस्तों। जाओ मेरे दोस्त, चॉप तुम पे बहुत ज्यादा मेरे को विश्वास है दोस्त। अगर तुम ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम पहुंच जाओगे सच्ची मुच्ची। लेकिन इतना कचरा देख रहा हो भाई ऊपर से आते हुए, तो मेरे को लग नहीं रहा है दोस्त तुमसे हो पाएगा। तो भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे पे भरोसा नहीं आपको भाई। ठीक है भाई जाओ, आपसे बात नहीं करूंगा मैं। अबे बात छोड़ तू भाई, रेस जीतने पे ध्यान दे, ये कौन से नशे में है भाई। ओह शिट, नहीं 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 नहीं, मरना मत प्लीज। ओह भाई भाई ये आइस क्यूब भाई बहुत खतरनाक चीज है। अरे अरे जैसे बोला खतरनाक चीज है, मेरे को भी उड़ा डाला। और गाइस अफसोस, एक और राउंड में निकल गया भाई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, डैम इट मैन। अब चॉप को स्पेक्टेट करना पड़ेगा दोस्तों। भाई जल्दी स्पेक्टेट करो, देखो मैं कितना पास पहुंचने वाला हूं भाई। अरे कांग्रेस भाई, ये तो सही में बहुत पास पहुंच रहा है गाइस। ये है असली चैंपियन ये भाई। अगर इस वाले में भी फर्स्ट कर गया, डोंट टेल मी भाई कि इस वाले राउंड में भी मिस्टर चॉप ही फर्स्ट करने वाला है। अपन लोग की मेहनत क्या भाई, यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए है भाई। अब क्या ही बोलूं मैं आप लोगों से अच्छा हूं भाई, इसीलिए यहाँ पे बार बार मेरे को सक्सेस मिल जाती है। अरे भाई अब तुम फ्लेक्स करना बंद करोगे। ये देखो गाइस, एक और बार नंबर वन प्लेस मिस्टर चॉप को जाता है। चलो भाई चलते हैं अगले राउंड की तरफ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम लोगों का अगला राउंड आ चुका है जो कि है फिर से कंटेनर एवलांच। और गाइस इस राउंड में भी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं एकदम एंड तक लड़ने की। अरे अरे पहले ही गिरा दिया मेरे को भाई। लेकिन इसकी आप इतना ज्यादा तेज क्यों भाग रहे हो भाई, पैर टकरा गया आपका इसीलिए गिर गया। अरे तो ठीक है ना भाई, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब मैं सबसे आगे निकलने के चक्कर में सबसे पीछे हो गया। अरे भाई इसमें तो भाई ईटे फेंके जा रहे हैं यार ऊपर से। भाई ईटा लोहा सब कुछ फेंका जा रहा है भाई, कोई भी चीज छोड़ने नहीं है लोगों को। अरे नहीं यार ऐसा ना करो यार, ईटे मत फेंक के मारो मेरे को। अरे भाई ये क्या आ रहा है, ये भाई प्लाईवुड भी फेंक गया भाई। ये क्या है, वुड के क्रेट्स फेंके जा रहे ऊपर से। शिट, सारा कंस्ट्रक्शन का माल फेंका जा रहा है। मेरे साथ जो बंदा बैठा था भाई वो तो उड़ गया पूरा। भाई आपको बोल रहा हूँ आराम आराम से जाओ, मर जाओगे। अबे नहीं, इस बार थोड़ी हार जाऊंगा भाई, मैं हर बार थोड़ी मरते रहूंगा। गाइस क्या लगता है आप लोगों को, इस बार फ्रॉस्टी भाई पहुंच पाएगा कि नहीं एंड तक? मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं फर्स्ट प्लेस आऊं या ना, मेरे को बस इतना फर्क पड़ता है गाइस कि अपने को यार एटलीस्ट फिनिश करने दिया करो। ओ शिट भाई, बहुत माल पानी यहाँ पे सीरियस हो गया ब्रो। एक और बंदा गया। ओके अभी सिर्फ दो ही बंदे टॉप पे चल रहे, एक तो वो बंदा जो मेरे से आगे है एंड एक वो बंदा जो अपन लोग है। तो सिंपल एज दैट गाइस, बस कोई भी जो कचरा है वो इस साइड ना आ जाए। एंड ओके एक और बंदा गया भाई, मेटल बार ले गई उसको यार। ये मेटल बार्स बहुत खतरनाक है मेरे यार। अरे नहीं, उसको फर्स्ट प्लेस मत आने दो यार। वो बंदा, ओ शिट, उसको लगा चोट लगा, उसको चोट लगा बट किसी तरह वो सर्वाइव कर गया। अरे मैं भी सर्वाइव कर गया भाई, क्या बात है। ओ शिट, और ईटे आ रहे। अरे नहीं, अरे मैं तो बीच में आ रहा हूँ भाई, टायर वायर सब फेंक दो यार तुम। तो भाई मेटल बार के ऊपर से जंप मारो जल्दी, नहीं तो मर जाओगे ब्रो। अरे मरना कहाँ है भाई, अपनी किस्मत में अभी कहाँ, ऐसे थोड़ी मर जाऊंगा। ये देखो यार नूबड़ा क्या मारेगा मेरे को, चल नूब कहीं के। ये देखो गाइज, फर्स्ट प्लेस तो नहीं आ पाया लेकिन भाई फिनिश तो कर दिया सेकंड प्लेस पे। अब मेरे हिसाब से ये फर्स्ट प्लेस से कम नहीं है। अब बोलो चॉप, क्या लगता है तुमको, अभी भी नूब है अपन? भाई मैं तो यहाँ पे गिर रहा हूँ भाई, इसलिए मेरे से ना पूछा करो आप। अबे अगर इस बार भी फिनिश कर दिया तो भाई बवाल हो जाएगा चॉप यार, तुम तो हार ही नहीं रहे हो भाई। भाई लेकिन इस बार फर्स्ट प्लेस तो नहीं आया ना भाई। अबे फर्स्ट छोड़ो, तुम तीन बार में दो बार फर्स्ट आ गए और एक बार थर्ड आ गए, कम है क्या भाई साहब? अगर कोई एग्जाम हो रहा होता तो भाई ये टॉपर बंदा बनता उसके अंदर। लेकिन गाइस आई थिंक चॉप का जो हो सकता है गेम ओवर हो जाए इस बार, क्योंकि अब तो भाई रैकिंग बॉल वगैरह फेंके जा रहे, चेन वेन लगा करके वो भी। भाई क्या लगता है चॉप पहुंच पाओगे या इससे पहले ही तुम्हारा टकला फूट जाएगा? भाई देखो जैसे अभी फिलहाल जा रहा हूं, मेरे को तो लगता है पहुंच जाऊंगा भाई, लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहा तो जरूर मर जाऊंगा ब्रो। अरे दोस्त लेट्स सी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो तुम फिनिश लाइन के। ओके वो बंदा देख रहे हो भाई, वो वहीं पे खड़ा है, वो भाई इंतजार कर रहा है तुम्हारे ऊपर ही कचरा फेंकेगा, तुम आखिरी बंदा हो ना इसीलिए। तो भाई लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो चीटेगा भाई, मेरे को टारगेट क्यों कर रहा है ये आदमी? अबे टारगेट नहीं कर रहा है वो, भाई इंतजार कर रहा है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ चॉप भी कंप्लीट कर चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द फिनाले, सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो फिनाले के लिए यहां पर मेरे को बनाया गया है एवलांच मास्टर। तो इस बार हम लोग फेंकेंगे कचरा। ये लो भाई, तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है ना मेरे को, अब बताता हूं भाई। ये लो सारा कचरा, ये लो चम्मच भी लो, कांटे भी लो, जो मिले सब ले लो भाई। भाई यार किचन बना दिया भाई आपने, इतने सारे खतरनाक चीजें एक साथ फेंक रहे हो, शर्म करो भाई। अरे शर्म किस बात की दोस्त, इसी को तो कहते हैं असली चैलेंज, आप बच के दिखाओ तब मारू मैं तुमको। भाई अगर मारना ही है तो भाई सारे बंदे को मार दो, लेकिन मेरे को छोड़ दो भाई। ऐसा नहीं होता दोस्त, अगर मारूंगा तो सबको मारूंगा, नहीं तो किसी को नहीं मारूंगा मैं।
फक्ड भाई, अब तो डोनट भी फेंकने शुरू कर दिया भाई आपने। अरे डोनट छोड़ो भाई, अभी कुकी फेंकूंगा, गमी बेयर्स फेंकूंगा, जितनी चीजें मिलेगी सब फेंको। ये ले कैंडी जार भी ले ले भाई, तेरे को सब चाहिए ना सब ले भाई, जितने लाइक जेम्स वेम्स भी है ना सब फेंक देंगे गाइस, M&M से लेकर के भाई स्किटल्स। वो भाई यहाँ पे तो लॉलीपॉप भी है, उसके बाद वो भी है भाई, मतलब जितनी चीजें अपन मरे थे सारे है भाई इधर। चलो चलो, अभी जो भी मेरे को यार जल्दी जल्दी दिख रहा है मैं वो सारे फेंकते जा रहा हूँ। और भैया इनको फेंकना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस। तो भाई बहुत सारे बंदे बहुत आगे आगे, क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या क्या कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है फेंकना भाई इनको, तुमको लग रहा है ये फेंकना आसान है, लेकिन गाइस देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मेहनत लगती है दोस्तों। देख रहे हो इतना ज्यादा डिस्टेंस बना दिया एक तो यार इन लोगों ने, देखो कुछ कुकीज तो बाहर ही चली गई भाई। तो भाई एक बंदा तो पहुंच भी गया है फिनिश लाइन पे। अरे सब मर जाएंगे, टेंशन ना लो, ये देख रहे हो तुम भाई अपन एग्जैक्ट बंदे देख देख के फेंक रहे हैं। ओ शिट, मेरे को यार टेंशन है भाई कोई बंदा सही में ना पहुंच जाए इधर, कूद फांद यार ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। भाई मैं तो आ रहा हूँ भाई, मेरे को तो पहुंच दे दो, मैं तो आपका दोस्त हूँ भाई। अरे तुम दोस्त हो गए भाई अपने घर के, यहाँ पे भाई मैं हूँ एवलांच मास्टर और मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करने वाला। बाकी लोग बोलेंगे भाई देखो यार तुम चीटिंग करते हो, एक बंदा तो छुप ही गया भाई। ओ शिट, ओए ओए ओए, अरे दो बंदे आ रहे बहुत तेजी से, मैं क्या करूं भाई? अच्छा चल चल, एक गया एक गया, ओके एक गया, ओ शिट एक ने फिनिश कर दिया। डैम इट भाई, उसके लिए बुरा लग रहा है बेचारा, कितना बोल रहा होगा यार मेरे को, बोल रहा होगा भाई लास्ट में क्यों मार दिया। ये देखो चॉप कैसे आ रहा है भगता हुआ कोने से। फॉक्ट भाई लॉलीपॉप मार दिया, अरे कुकी मार रहा मेरे सर के ऊपर, माफ नहीं करेगा भगवान आपको। अरे छोड़ो यार अब भगवान से क्या ही भाई लेना देना, तुम तो पार ही कर गए। ऑलराइट गाइस देख सकते हो अब चॉप तो पार कर गया, तो प्रीटी मच अपन लोग फेल कर चुके हैं, बट बहुत सारे बंदों को अपन लोग ने फिर भी आउट कर दिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक मारिए फटाफट से, 15,000 लाइक्स का एम रख रहा हूं, प्लीज कंप्लीट कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।